हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा जल्दी था क्योंकि आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो ऑलरेडी 7 बज गए थे, हमें जल्दी जल्दी निकलना था, तो मैंने आज तैयार होते होते अपना ब्लॉग बनाया है। आज मंदिर जा रहे थे तो मैंने कुर्ती पहनी एंड थोड़ा बहुत मेकअप किया, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत। एक तो ना जब मैं ऐसे सूट कुर्ती वगैरह पहनती हूँ, मुझे इसके साथ के मैचिंग की बिंदी वगैरह जो भी बैंगल्स चीज़ें चाहिए होती है ना, वो पता नहीं कभी नहीं मिलती, उन्हें मैं मर्ज़ी कितना संभाल के रख दूँ। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट फिर आधी अधूरी चीज़ों के साथ मैं तैयार हुई, अपना पूरा मेकअप मैंने फिनिश किया जितना जल्दी मुझसे हो पाया। सो ये है मेरा फाइनल लुक मंदिर जाने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे और वेदर अच्छा था, धूप तो यहाँ बहुत जल्दी खिल जाती है, तो ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा था उस टाइम पे। ये हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। हम जैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे, शॉप वाले दो इसमें लड़कियाँ थी जो इधर स्कूटी लगाओ वाला कर रही थी, हम डर गए, हमें समझ नहीं आया थोड़ा, मतलब जबकि नीचे पार्किंग भी है, आप लोग वहाँ नीचे भी पार्क कर सकते हो। फिर इनके वहाँ से मैंने प्रसाद दी ली, यहाँ पे जहाँ पे ऑटो खड़ी हुई ना, यहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हो। तो वैसे ऊपर भी पार्क करने के कोई चार्जेस नहीं थे, बट हाँ वही कि शॉप से इनके सामान लेंगे इसलिए। ये मंदिर ना मेन हल्द्वानी से ऑलमोस्ट मतलब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप लोकेशन देख सकते हैं कितना सुंदर लोकेशन है, और ये बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। ये जो मंदिर है ना, ये 2011 में यहाँ पे स्थापित किया गया था, 2011 में इसका निर्माण हुआ था मतलब। तो ये मंदिर तो बहुत सुंदर बनाया है। सो अभी हम लोग भी अंदर एंट्री कर रहे थे। ये जो मंदिर की थाली है, ये मुझे वो शॉप वाले भैया ने दी थी, वहाँ से आप थैले पे भी ले सकते हो, मतलब ऐसे पैकेट में, और या थाली ले सकते हो, योर चॉइस। तो मैंने तो थाली प्रेफर करी थी, मंदिर के लिए अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो फिर हम लोग यहाँ अंदर गए, बहुत बहुत सुंदर मंदिर था ये, बहुत ही सुंदर। इवन अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन ऑन है, मतलब यहाँ पे अभी काम चल रहा है, बहुत बड़ा वो है। बट इसमें हमें एक चीज़ का वो हुआ कि जैसे ही हमने अंदर एंटर करा तो उन्होंने ये बोल दिया कि अंदर मतलब कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पे, कोई आप फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं ले सकते थे, तो इसलिए अंदर का तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, बट आप बाहर से देख सकते हैं, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। ये था इसका मेन जो हनुमान जी वाला मंदिर था। ये जो मंदिर है ना हनुमान जी का, ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं, मतलब कि एक के स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जो हनुमान जी के 9 स्वरूप थे वो हैं दिव्य स्वरूप, मांजनी के साथ बाल स्वरूप, राम जी के चरणों में दास स्वरूप, राममणि हनुमान, संकीर्तनी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, संजीवनी हनुमान, राम लक्ष्मण को कंधों पर लिए पराक्रमी हनुमान, राम सीता हृदय में राममयी हनुमान। जो ये 9 स्वरूप मैंने आपको बताए, जो मेन मंदिर है जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, वहाँ पे बहुत ही भव्य स्वरूप में इनको दर्शाया गया है, हर इनका एक स्वरूप। यहाँ पे दुर्गा माता का भी मंदिर है छोटा सा, और ये जो आप ऑरेंज वाला देख रहे हो ये विशेस के लिए है, यहाँ पे आप अपनी विशेस मांग के इनको बांध सकते हो, मतलब धागा मिलता है वो आप बांध सकते हो। शिव जी का भी यहाँ पे मंदिर था, और ना यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी क्योंकि जो हमें थाली मैंने ली थी ना वहाँ से यहाँ की प्रसादी के लिए, तो इन लोगों ने मुझे नारियल भी वापस ही दे दिया था, तो मेरे को ये था कि मतलब जैसे नारियल तो चढ़ाते हैं ना, बट यहाँ पर ऐसा था नहीं, ये लोग रिटर्न ही करते हैं, आप घर आ कर उसे तोड़ के मतलब एज अ प्रसाद आप खा सकते हो, प्रसादी भी देते हैं। तो और ना यहाँ पे एक चीज़ और हुई है, जैसे ना हम लोग बागेश्वर में मंदिर है वहाँ पे ना ये जो शिवजी वाला पानी होता है ना वो आप अपने सर पे चढ़ा सकते हो, मतलब पंडित जी खुद देते हैं। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज थी कि चढ़ाना है नहीं, क्योंकि कोई था नहीं पूछने के लिए, तो फिर मैंने नहीं किया, मुझे लगा क्या पता यहाँ पे अलाउड नहीं हो। ये आप पूरा मंदिर का पार्क देख सकते हो, बहुत सुंदर बनाया गया है, बहुत सुंदर। इवन अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत जगह पे, तो लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये बनाया बहुत, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत पीस मिलता है यहाँ पे आके, बहुत पीसफुल जगह है, मंदिर है तो मन की शांति तो मिलती ही है,
हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, हम अंदर बैठे थे। आप पूरा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, मैंने भी किया था, मेरे हस्बैंड ने भी किया था। मतलब हमने यहाँ पे 2-3 घंटा आराम से स्पेंड किया अंदर बैठे। फिर यहाँ पार्क में भी आप देख सकते हो शिव जी की इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है। इस पार्क में बैठने का भी है, बट जब हम लोग गए थे उस टाइम पे तो बहुत धूप हो रही थी तो इसलिए हम बैठे नहीं। लेकिन इस मंदिर में आके मन को बहुत शांति प्राप्त हुई, भगवान जी को मैंने थैंक यू बोला और हम लोगों ने यहाँ से वापसी करी। और जब हम वापस आ रहे थे तब मतलब रास्ते में ना थोड़ा जंगल टाइप था, तो उधर तो वेदर आप देख सकते हो बहुत बहुत सुंदर वेदर हुआ पड़ा था। हे फ्रेंड्स, सो हम लोग वापस घर पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था लेकिन मंदिर जाके बहुत सुकून मिला। बाकी मंदिर का मैं पूरा आपको वीडियो तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।